हुई गैस और रेल किराए में वृद्धि को लेकर शनिवार को कांग्रेसी सड़क पर उतरे और गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर यशवंत रोड पर मानव श्रृंखला बनाई। विरोध स्वरूप कांग्रेसियों ने काली पट्टी भी बांध रखी थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। वे विजयवर्गीय द्वारा इंदौर को आग लगा देने वाले बयान से आक्रोशित थे। मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि देश की जनता पहले ही आर्थिक मंदी, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। इस समस्या का समाधान करने की बजाय केंद्र ने एक और भार जनता पर लाद दिया है। केंद्र ने रसोई गैस और रेल किराए में इजाफा कर दिया है। केंद्र के इस रवैये को हम विरोध करते हैं और उनके रसोई गैस और रेल किराया वृद्धि को जल्द वापस लेने की मांग करते हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांध कर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन किया। उनका कहना था कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण व्यापार पहले ही चौपट हो गया है। देश में आर्थिक मंदी के कारण महंगाई चरम पर सीमा पर पहुंच गई है और जो युवाओं को भाजपा सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था वह पूरा ना करके देश में बेरोजगारी और बढ़ा दी है। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कई बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए हैं जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।